बधाई, आपके लिए बड़ी अच्छी खबर आ गई है। 1 मार्च के बाद से अगर आप खातों से लेन देन करते हैं, बैंक अकाउंट से लेन देन करते हैं, तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। आदेश जारी हो गया है। क्या करना है आपको, आगे आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। आरबीआई के साथ ही तमाम बैंकों ने आपको सौगात दी है, आप खुशियां मनाइए, मिठाइयां बांटिए, क्योंकि इससे ज्यादा सौगात आपके लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत बड़ा ऑफर आपके लिए आ गया है, इसीलिए मैं कह रहा हूं बधाई बधाई और बधाई। देखिए, विजय शंकर सिंह आईपीएस रिटायर्ड हैं, इन्होंने अखबार की कटिंग को शेयर किया है। सेविंग व सैलरी अकाउंट से लेन देन पर लगेगा टैक्स, यानी अगर आपका बचत खाता है, पहले कोई चार्ज नहीं लगता था, लेकिन अब उस खाते से अगर आप पैसा निकालेंगे, लेन देन करेंगे, तो चार्ज लगेगा। अब आपके लिए इससे ज्यादा बेहतर खबर और क्या हो सकती है। देखिए, अखबार लिखता है, निजी बैंकों में 1 मार्च से लागू होगा नया नियम, पहले 4 लेन देन मुफ्त, उसके बाद लगेगा शुल्क, और एक ऐसा चार्ज होगा, यह होगा कैश हैंडलिंग चार्ज। एक व्यक्ति को खाते में कैश जमा करने या निकालने के लिए महीने में केवल 4 मौके मुफ्त मिलेंगे। इसके बाद 5वें ट्रांजेक्शन में 150 रुपए कैश हैंडलिंग चार्ज के अलावा सर्विस टैक्स और सेस मिलाकर के कुल 173 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। यानी आप 1,000 रुपये निकालते हैं तो आपको 173 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपको 1,000 रुपये जमा करने हैं, तो जब आप बैंक मैनेजर को या कैशियर को 1,173 रुपये देंगे, तब जाकर के आपके खाते में पूरे 1,000 रुपये जमा हो पाएंगे। होम ब्रांच में केवल 2 लाख रुपए तक 1 माह में कैश जमा किया जा सकता है। 2 लाख रुपए से ऊपर जमा कराने पर 5 रुपए प्रति हजार, 150 रुपए कैश हैंडलिंग चार्ज, सर्विस टैक्स और सेस अलग से लगेगा। खास बात यह है कि 2 लाख की सीमा के बाहर अगर 10,000 भी अतिरिक्त जमा कराएं, तो उस पर भी 150 रुपए कैश हैंडलिंग चार्ज, सर्विस टैक्स, सेस और 5 रुपए प्रति हजार का शुल्क आपको देना पड़ेगा। नॉन होम ब्रांच में 1 दिन में अधिकतम 25,000 रुपये जमा कराए जा सकते हैं। इससे ऊपर कैश जमा कराने पर 5 रुपये प्रति हजार के अलावा 150 रुपये सर्विस टैक्स और सेस लगेगा। थर्ड पार्टी को कैश लेन देन 1 दिन में अधिकतम 25,000 रुपये किया जा सकता है। इस पर भी 150 रुपये सर्विस टैक्स और सेस अलग से लगेगा। 25,000 से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं होगी। आपका चाहे बचत खाता हो, चाहे सैलरी अकाउंट हो, जिसमें आपकी आपका वेतन आता है महीने दर महीने, आपको ये पैसा देना ही होगा। इससे बेहतर खबर और क्या हो सकती है। राम राज्य साहब, न्यू इंडिया है और सब यही हो रहा है हमारे देश में। खुश होइए। और आप देखिए आगे क्या लिखता है अखबार, नोटबंदी के बाद अब सरकार ने कैश के लेन देन पर शिकंजा कसने को तैयारी कर ली है। 1 मार्च से खाते से कैश निकालने व जमा करने पर बैंकों में कैश हैंडलिंग चार्ज लगेगा। निजी बैंकों ने इसकी दरें भी जारी कर दी हैं। सरकारी बैंक भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। नियम के मुताबिक हर महीने पहले 4 लेन देन मुक्त रहेंगे, उसके बाद चार्ज लिया जाएगा। कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कैश निकालने और जमा करने पर यह नए नियम को लागू कर दिया है। और इसके साथ ही विजय शंकर सिंह आईपीएस रिटायर्ड, इन्होंने लिखा भी है, 1 मार्च से खाते से कैश निकालने व जमा करने पर बैंकों में कैश हैंडलिंग चार्ज लगेगा, और निजी बैंक और सरकारी बैंक दोनों चार्ज वसूलेंगे। और जो सरकारी बैंक है, इसकी तैयारी कर रहे हैं। और इन्होंने ट्वीट किया है 26 फरवरी 2023, यानी आज के दिन दोपहर को 1:03 पर। इससे ज्यादा बेहतर क्या होगा। दीजिए सरकार को पैसा, दीजिए बैंकों को पैसा, तभी तो हमारा देश महान बनेगा, तभी तो हमारा देश तरक्की करेगा। वैसे भी तमाम जो सरकारी संपत्तियां हैं लगातार बिक रही हैं। अगर नहीं बिक रही हैं तो उन्हें गिरवी रखने का काम लगातार भारत सरकार के द्वारा किया
किया जा रहा है। अपोजिशन सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार अपने धुन में मस्त है। सरकार को जो समझ में आ रहा है, सरकार वही कदम उठाने का काम लगातार कर रही है। लेकिन जागरूक आपको होना होगा, समझदार आपको होना होगा, तभी आपका पैसा बच पाएगा। वरना आप जब टॉफी खरीदने जाते हैं 1 रुपए की, चॉकलेट खरीदने जाते हैं 5 रुपए की, साबुन खरीदने जाते हैं 10 रुपए का, तब भी आपको चार्ज देना पड़ता है। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लीजिए, आप ऑफलाइन शॉपिंग कर लीजिए, तब भी आपको चार्ज, सर्विस टैक्स, CGST, ना जाने कितने GST आपको देना पड़ता है। एक टैक्स होता डायरेक्ट लगता है, एक होता इनडायरेक्ट। साबुन जब आप खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स आपके ऊपर लगाया जाता है। लेकिन अब जब ये नियम लागू हो जाएगा, इसके बाद आपको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा कि आप 1,173 रुपये बैंक में जमा करवाइए और आपके खाते में महज 1,000 रुपये पहुंचेगा। अब आपको क्या करना है, डिसाइड आपको खुद करना है। हमारा काम था हम आप तक जानकारी पहुंचाएं, हमने आपको रूबरू करा दिया।